लोगों को कितना प्यार करते हैं। अगर आप लोगों को प्यार करते हैं तो एक कट्ठा होके बिदर प्रेजेंट से 11 जिला से जितना भी एमपी आता है, ये एमपी बीजेपी का हारा के आपका एमपी जितना है बीरा के, बोडोलैंड से ये होना पड़ेगा। बोडोलैंड के लोगों को सचमुच बोडोलैंड को प्यार करते हैं, बोडो लोगों को प्यार करते हैं। हम में असम में अभी बीजेपी का 7 MP है, 7 MP है, ये 7 MP सारे MP हमारे हेल्प से, हमारे मदद से आए हैं, और वो सारे MP हमें इससे काटना होगा, इस आकरा से काटना होगा। तो ये हमारा बात है। तो अभी आप लोग सब लोग ये जानते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला था उस टाइम, मोदी जब इलेक्शन लड़े थे उस टाइम क्या आवाज आया था, आपके बार मोदी सरकार, लेकिन आप अभी ये आने वाला नहीं है, अभी आएगा आपके बार नया राज्य बनाने वाले की सरकार। ये हमें सब सूचना, ये मैसेज लेना है, आपके बार मोदी सरकार नहीं आएगा, अभी ये नारा नहीं लगेगा, अभी नारा लगेगा आपके बार नया राज्य बनाने वाले सरकार। तो इसीलिए भाइयों बहनों दोस्तों, काफी साल हो चुके हैं हमने ये लड़े, ये जंग लड़े, ये लड़ाई किसके खिलाफ है, ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हक के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई प्यार का लड़ाई है, ये लड़ाई शांति का लड़ाई है, ये लड़ाई उन्नति का लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान के हाथ मिलने का लड़ाई है। लेकिन बहुत शर्म का बात है, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में हमें हाथ का बात बोलना पड़ा, जहां संविधान में आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, लेकिन वहां जहां बैठा हुआ है पार्लियामेंट में वो लोग संविधान नहीं पढ़ते हैं, वो लोग अपना भाषा को ही संविधान समझ लेते हैं, जो सबसे बड़ा गलती इंडिया में हो रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में हम लोग एक मोटो को लेके आगे बढ़ना होगा, जो अभी नारा लगाया है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम एक साथ हम लोग काम करेंगे, वी विल फाइट टूगेदर, वी विल वर्क टूगेदर एंड वी विल विन टूगेदर। हमें जीतना है, हमारे लोगों को जस्टिस देना है, विदर्भ के 46,000 फार्मर को, जो कृषक को जस्टिस देना है, बोडोलैंड के 5,000 मार्टियर को जस्टिस देना है, त्रिपुरालैंड के मार्टियर को जस्टिस देना है, कार्बी स्टेट का मार्टियर को जस्टिस देना है, जितना भी शहीद है इनको जस्टिस देना है। इसलिए एनएफएनए की तरफ से अभी हम अकेले नहीं है, पहले हम बोडोलैंड अकेले लड़े थे, विदर्भ अकेले लड़े थे, त्रिपुरालैंड अकेले लड़े थे, सब अकेले अकेले लड़े थे, अभी हम लोग इकट्ठा हो गया, और एक कथा में हमने पढ़ा था एकता में बल है, अभी हमारा बल और भी ज्यादा हो गया, पहले भी बल था हमारा। ये देश ऐसा नहीं है कि करोड़ों को देखना है, 10 लोगों को नहीं देखना है, हर एक को देखना है, ये गलती सरकार कर रहा है। त्रिपुरा में कितना पॉपुलेशन है वो मायने नहीं रखता, लेकिन त्रिपुरा में जो रहता है वो इंडियन है, उनका भाषा इंडियन है, इंडिया के इंडिजिनस पीपल है, उनको देखना भारत सरकार के दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इसलिए ये जस्टिस देना ही पड़ेगा, जैसे गांधी जी लड़े थे उसी टाइम में भी कुछ लोग बोले थे इंडिया आजादी नहीं होगा, बहुत सारे अमीर लोगों ने उसका साथ नहीं दिया था, बहुत सारे राजनेता साथ नहीं दिया था, लेकिन इंडिया आजाद हुआ। अभी ये जो आवाज है, ये दलित ट्राइबल सबका आवाज है, ये बिस्तरे हुए लोगों का आवाज है, जो रियली सोन ऑफ द सोयल है इंडिया का, उसका आवाज है, और इंडिया उसका है, इंडिया जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है त्रिबुन का नहीं है, इंडिया में जो पार्टी ऑफिस में बैठा हुआ है त्रिबुन का नहीं है, इंडिया श्री प्रधानमंत्री का नहीं है, इंडिया श्री गृह मंत्री का नहीं है, इंडिया हमारा भी है, आपका जितना आगे हमारा भी इतना ही आगे। मैं इतना ही बोलता हूँ, आने वाले समय में एक साथ लड़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट बार अगर दिल्ली में रैली होगा तो इतना संख्या में नहीं होगा, लाखों में होना पड़ेगा, लाखों में। तो इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। अभी आप लोग देखिए, छोटा छोटा एक फिल्म स्टार अगर आता है, कोई सीरियल में एक नाटक करने वाला आता है, सारा पत्रकार पीछे पीछे भागता है। यहाँ 7 राज्यों के लीडर आए हुए, मोर्चा निकला, आंदोलन हुआ, कितना पत्रकार आपके सामने, देखिए इंडिया का पत्रकार का काम क्या है, अभी पत्रकार क्या काम है, कौन किसके साथ शादी होता है, कौन किसके साथ खाना खाता है, वो बड़ा बड़ा न्यूज बनता है। यहाँ छिल्ला रहा है लोग, मर रहा है लोग, सुसाइड कर रहा है फार्मर, उसका न्यूज नहीं बन रहा है। हमारा इंडिया बिगड़ गया है, और बिगड़ गया तो किसके लिए, यहाँ के राजनीति नेताओं के लिए, यहाँ के मीडिया के लिए,
यहाँ के सब के लिए, अभी इंटेलेक्चुअल के लिए ये इंडिया बिगड़ गया है। इसीलिए अभी आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब में सब में डालो, ताकि सुबह जागने के बाद राजनाथ सिंह देखे विदर्भ मूवमेंट, सुबह जागने के बाद मोदी जी देखे विदर्भ मूवमेंट। जो भी यूट्यूब खुले, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी हो आप लोग खुल के देखो। सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं करना, पार्लियामेंटरियन बात नहीं करना, लोगों को नहीं तोड़ना, कानून नहीं तोड़ना। ये देश का कानून हमारा कानून है, ये देश का संविधान हमारा संविधान है। हम कानून तोड़ने नहीं आया, ये हम लोगों को आईन को कानून को तोड़ने नहीं आया। इसीलिए ये बात आप लोग अपने मन में रखिए, और हम अहिंसा का आंदोलन करेंगे, गणतांत्रिक आंदोलन करेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। मैं कुछ पदों में बोलना चाहूंगा, बिग्रेरी लगभग पर बे सोमावसारनायाव जोङो जोबोद कम अनजिमानि बाहागो लाफैदों, आरो बियो जोबोद